गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ढांचा है। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में अदालतों के 3 अलग अलग लेवल हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल व्हाइल देयर इज ओनली 1 एट द अपेक्स लेवल। तो लोअर लेवल पे जो सबसे निचली अदालत होती है तो वो बहुत सारी हैं, क्योंकि वो हर जिले में होती हैं। तो हाईएस्ट लेवल जो है, अपेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल, सबसे बड़ी जो कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जिस कोर्ट के साथ, जिस अदालत के साथ लोगों का सबसे ज्यादा वास्ता होता है, लोग सबसे ज्यादा उसमें जाते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जहाँ उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। सबॉर्डिनेट मतलब छोटी अदालत, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला अदालत, क्योंकि हर जिले में होती है तो ये अदालत बहुत बड़ी नहीं होती है। दीज आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हेयर मैनी काइंड ऑफ केसेस। तो ये तहसील में भी होती है और जिला लेवल पे भी होती है। तहसील, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट को आगे तहसील में बांटा गया होता है, तो तहसील में भी होती हैं अदालतें, और जिला जो मेन सिटी रहता है, डिस्ट्रिक्ट सिटी, उसमें होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हैं उनकी सुनवाई होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जैसे आप जानते हैं कि हर एक जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी होती है, स्टेट के आगे जिले होते हैं, और हर एक जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है होता है, जिले की अदालत होती है, डिस्ट्रिक्ट जज उसको प्रिजाइड ओवर करता है, उसका अध्यक्ष होता है। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। तो जिला अदालत के बाद किसी भी स्टेट की सबसे ऊंची अदालत होती है हाई कोर्ट। एट द टॉप इन द सुप्रीम इज द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे ऊपर कौन सी अदालत है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो हमारी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस होते हैं। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो नीचे वाली सारी अदालतों को मानना होता है। सपोज कि कोई केस आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला अदालत में, और वहाँ किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो अपने केस को आगे हाई कोर्ट में लेके जाता है, और हाई कोर्ट में भी अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। तो इस केस में सबसे ऊपर जो सबसे माननीय फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रहता है। आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? यस, ये सारे लेवल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, कि जो सर्वोच्च अदालत का फैसला होता है वो लागू होता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो भी हेठली अदालत का, छोटी अदालत का, नीचे वाली अदालत का फैसला होता है, उसके खिलाफ ऊपर वाली अदालत में अपील की जा सकती है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जो नीचे वाली अदालत ने फैसला दिया है वो नहीं उनके हक में आया और वो फैसला सही नहीं हुआ, तो फिर वो ऊपर वाली अदालत में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अर्जी दायर कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। तो एक केस की उदाहरण जहाँ पे हम लेंगे, जो था स्टेट वर्सेस लक्ष्मण, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो नीचे वाली अदालत में केस फाइल हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जो है वो पहुंच गया। तो इसमें क्या हुआ था कि इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। तो लक्ष्मण कुमार जो था उसकी शादी हुई एक 20 साल औरत से,
तो वो एक फ्लैट में दिल्ली में रहते थे, लक्ष्मण के भाई भी उसके साथ रहते थे, उसकी फैमिली उसके साथ थी। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। तो 2 दिसंबर 1980 को क्या हुआ कि सुधा जो थी लक्ष्मण कुमार की वाइफ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी तो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। तो उसकी फैमिली ने कोर्ट में अदालत में केस फाइल किया। तो व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट होती है जो कोर्ट रहती है जिसमें सबसे पहले मुकदमा दायर किया जाता है। तो 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेसेस। तो सुधा के 4 पड़ोसी जो थे उनको गवाहों के तौर पर बुलाया गया। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1st दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट। तो पड़ोसी क्या बताते हैं कि उन्होंने 1 दिसंबर को उन्होंने सुधा की चीखने की स्क्रीम, मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो वो लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ भाग कर गए। तो देर दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि सुधा जो थी वो खड़ी थी, उसकी साड़ी जो थी आग की लपटों में थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, कैसे, उसको रैप किया गनी बैग में, चटाई में उसको लपेटा, कंबल उसके ऊपर दिया, तो इस तरह से उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। और सुधा क्या बताती है कि उसकी मदर इन लॉ, उसकी सास जो है शकुंतला, उसने उसके ऊपर पोर किया है केरोसिन ऑयल, मतलब उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का है। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और उसके पति लक्ष्मण ने उसको आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधाज फैमिली एंड अ नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो केस जब स्टार्ट होता है तो उसमें पड़ोसी क्या बताते हैं कि सुधा के घर वाले, उसके इन लॉज जो उसके ससुराल वाले थे, उसको और सुधा की फैमिली भी जो बताती है कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था, और वो लोग ज्यादा कैश मांग रहे थे, स्कूटर मांग रहे थे और फ्रिज भी मांग रहे थे जब उसका पहला बच्चा हुआ। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमें चाहिए। तो एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क। तो उसकी सुधा की सास क्या कहती है, और लक्ष्मण भी ये कहता है कि सुधा जब दूध गर्म कर रही थी तब उसकी साड़ी को आग लग गई, मतलब एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंट था, बाय चांस हुआ, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। तो सारे गवाहों को सुनने के बाद सुधा की सास, सुधा के हस्बैंड, उसके भाई को दोषी मानते हुए अदालत जो है वो उनको मौत की सजा दे देती है। तो नवंबर 1983 में क्या होता है कि 3 अक्यूज, जो तीनों दोषी थे, वो जाते हैं हाई कोर्ट में अपील करते हैं। मतलब पहले उन्होंने अपने जो सबसे उनकी अदालत नीचे वाली अदालत रहती है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसमें वो गए। तो उसके बाद उन्हें जब उनके अगेंस्ट फैसला आया तो उन्होंने अपील की उसमें हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उसका जो फैसला था, उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। द हाई कोर्ट आफ्टर हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स। तो हाई कोर्ट में बहस हुई, मुकदमा चला, सारे जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी विचार हुआ जब बहस हुई उसके बाद कि सुधा जो थी एक्सीडेंट मौत थी उसकी, तो उसको जो आग लग गई वो केरोसिन स्टोव, जो मिट्टी के तेल से स्टोव जलाया जाता है, तो उससे लगी है। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड। तो लक्ष्मण, उसके भाई को और उसकी माता को निर्दोष साबित कर दिया कोर्ट ने। तो बच्चों, आपने 7th स्टैंडर्ड में, उस क्लास में, 7th की बुक में आपने फोटो ऐसे देखा होगा जिसमें कि औरतें 1980s के जो दहाका है उस समय बहुत सारे औरतों के ग्रुप्स बने और उन्होंने डोरी डेथ्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई।
कि जो दहेज के लिए हत्याएं होती थी उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने कोर्ट्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किए कि कोर्ट्स फेल हुई हैं जस्टिस दिलाने में, कि औरतों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। तो जो हम सुधा वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी औरतें जो और उनके ग्रुप्स थे उनको बहुत गुस्सा आया इस फैसले से कि औरतों की आवाज नहीं सुनी गई, सुधा को इंसाफ नहीं मिला है। तो इसलिए उन्होंने जो इंडियन फेडरेशन थी एक बनी हुई वुमेन लॉयर्स की, औरत वकीलों की, उन्होंने इस मुकदमे के खिलाफ और इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। मतलब पहले के इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. तो लक्ष्मण और उसकी माता और उसके भाई को जो निर्दोष साबित कर दिया था हाई कोर्ट ने, तो इसके अगेंस्ट मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट में सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद, जो लॉयर्स की वकीलों की दलीलें थी उनको सुनने के बाद, अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जो लक्ष्मण है और उसकी माता है वो दोषी हैं, उन्होंने ही सुधा को जलाया है, जला के उसकी हत्या की है। लेकिन जो ब्रदर इन लॉ था सुधा का, सुभाष, वो एक्विटेड हो गया, निर्दोष साबित हो गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ जो थे अदालत को नहीं मिले, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन लक्ष्मण और उसकी माता को सजा हो गई। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो इस तरह इस एग्जांपल से हमने देखा कि कोर्ट्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और अगर एक लेवल पे इंसाफ नहीं मिल पाता है किसी को लगता है, तो वो दूसरे लेवल में जा सकते हैं, और वहां भी लगता है तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। हर फैसला जो है, हर मुकदमा है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया जाता है। कुछ एक ही होते हैं, स्टेट वर्सेस सेंटर, जहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग या किसी लॉ के रिगार्डिंग, तो हर केस जो है वो सीधा नहीं जाता है ऊपर वाली अदालत में, तो बट अपील करके इस तरह से कई मुकदमे जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से जस्टिस दिलाने में, न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में कोर्ट्स का बहुत अहम योगदान रहता है।